हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल रिव्यू में। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप सबके साथ लेके आई हूँ चार लिपस्टिक की शेड। आप थंबनेल देखे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैच लुक की लिपस्टिक्स हैं और शेड जो हैं इसके आज मैं उनके बारे में बात करने जा रही हूँ। प्रोडक्ट जो है उनके बारे में मैं बात करूँगी कि किस तरह का प्रोडक्ट है, किस तरह मेरा जो एक्सपीरियंस रहा। अराउंड मुझे 3 या 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इन प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इनका रिव्यू आपको दे दिया जाए, क्योंकि मैंने कंप्लीट इसका रिव्यू कर लिया है। मैंने इसको अपने काफ़ी टाइम इसको यूज़ करके देखा है, पर्सनली इसको यूज़ करके देखा है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है आज इन प्रोडक्ट के बारे में वो मैं बताऊंगी। पहली बात तो देख लीजिए दोस्तों, छोटी विंडो में आप इनको देख सकते हैं कि किस तरह का इनका लुक है। तो ये जो लिपस्टिक्स हैं दोस्तों, मैच लुक इनका नाम है और एक सिंपल सी इनकी पैकिंग है। बहुत ज़्यादा ख़ास इनकी पैकिंग नहीं दी गई है, इस तरह की इनकी पैकिंग है, देख सकते हैं। मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया हुआ है इसे। तो दाम यहाँ पे लिखा हुआ है मैच लुक, और पीछे जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट के बारे में दी हुई है वो सिर्फ इस चिट पे दी हुई है। तो जो मैं इसमें आपको पढ़ के बता रही हूँ, जो इसका प्राइस है, MRP जो है इसकी, वो 110 रुपये है। तो 110 में आपको ये मिल जाती है, एक अच्छी डील है। और जो ख़ास बात है वो ये है कि जो इसका टेक्स्चर जो है वो मैट है। तो मैट टेक्स्चर में आपको इतने सस्ते लिपस्टिक मिलना और एक अच्छी लिपस्टिक मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो इसका ये नंबर है, ये है 06 मैट लुक कलर द कलर फैक्ट्री। एक जो चीज़ दोस्तों मुझे इन लिपस्टिक के बारे में अच्छी नहीं लगी है वो है कि इनके जो नंबर हैं उनके अलावा, या फिर कलर फैक्ट्री इसका लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी गई है, बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। तो ये एक माइनस पॉइंट आप इसे कह सकते हैं। अदरवाइज़ जो प्रोडक्ट है उसको, चलिए मैं अब नाम, इनके नंबर्स और नाम भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों जो आज हम बात कर रहे हैं इनके, चलिए नंबर मैं बता देती हूँ कौन कौन से शेड्स मेरे पास हैं। तो एक मेरे पास शेड नंबर है 12, शेड नंबर 5, शेड नंबर 6 और शेड नंबर 8। तो जो शेड नंबर 8 से हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा पिंक सा, थोड़ा पर्पल टाइप का है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा रेड दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, लेकिन ये इस तरह का नहीं है, थोड़ा सा अलग शेड है। मैं अभी आपको अप्लाई भी करूँगी। अगर बात स्वैच की आए तो आप यहाँ पे इसका स्वैच देख सकते हैं किस तरह का इसका शेड है। बात कर रहे हैं दोस्तों शेड नंबर 6 की, शेड नंबर 6 किस तरह का दिखता है। तो एक कंप्लीट रेड कलर का शेड है, बड़ा ब्यूटीफुल कलर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको दिखाई दे तो बड़ा ही ब्यूटीफुल शेड है ये। और चलिए मैं इसे हाथ पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि किस तरह का शेड है। एक मैट में इस तरह का शेड आपको नज़र आ रहा हो अगर, तो एक ब्यूटीफुल शेड है ये, काफ़ी अच्छा शेड है। और चलिए तीसरे शेड को देख लेते हैं, ये है 05। 05 का जो शेड है वो एक पर्पल कलर के शेड में है, पर्पल है, पिंकिश पर्पल आप इसे कह लीजिए। और अगर अप्लाई इसको करके देखा जाए तो कुछ इस तरह का शेड, एक पर्पल, लाइट पर्पल कलर का शेड इसका निकल आता है। चौथा जो शेड है वो एक कंप्लीट मैरून शेड है, शेड नंबर 12। इसको भी अप्लाई मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह का शेड है। तो कुछ इस तरह का शेड आपको मिल जाएगा, ये ब्यूटीफुल शेड है। चारों के चारों यार बड़े खूबसूरत शेड हैं सच में, आप ज़रूर इसको एक ट्राई देना। अगर क्वालिटी की बात मैं करूँ तो मुझे काफ़ी अच्छे शेड लगे हैं ये। चलिए मैं अब इनको स्पैच करके दिखा देती हूँ कि लिप्स पे ये शेड किस तरह के दिखते हैं। और बेसिकली जो अच्छी बात जो है दोस्तों कि ये इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत ही बेहतरीन शेड है, मुझे बहुत काफ़ी पर्सनली मुझे पसंद आए, मैंने स्पेशली यही शेड चूज़ करके लिए। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो इंडियन या वेस्टर्न किसी भी आउटफिट के साथ रेड मरून ज़रूर चलता है, एक पर्पल शेड है, पिंक शेड है, ये हमेशा ही इन रहते हैं। और रेड तो एवरलास्टिंग है, पिंक एवरलास्टिंग है, मतलब फॉरएवर शेड्स हैं ये, और किसी भी तरह की ड्रेस के साथ ये चलते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं लिप स्वैच कैसे लगते हैं इसके शेड। तो दोस्तों ये 06 मैंने अप्लाई कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का ये शेड है।
अब बारी है नंबर 5 की। चलिए इसे देख लेते हैं किस तरह ये लगता है। कुछ इस तरह पिंक में दोस्तों ये शेड आ जाता है, ऑल ओवर जो शेड है मैं इसका दिखाती हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों ये रहा शेड और मैंने ये अप्लाई करके आपको दिखा दिया है 05। ये से बड़ा प्यारा शेड है, बड़ा ही क्यूट शेड है। वेस्टर्न हो आपकी या किसी भी तरह की आउटफिट हो उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। चलिए अब मूव ऑन करते हैं थर्ड शेड की तरफ, जो कि है दोस्तों नंबर 12। इसे शेड कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत शेड है ये। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट शेड की तरफ, जो कि है नंबर 8। तो नंबर 8 में यहाँ ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर लिया, थोड़ा सा टचअप मैं आपको दे के दिखा रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा पिंकिश में, थोड़ा सा ऑरेंजिश में, बड़ा ही प्यारा सच में। डे टाइम हो या नाइट टाइम हो, बहुत ही ज़्यादा क्यूट शेड ये लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा शेड ये लगता है। आप देख सकते हैं इसे ध्यान से। तो ये तो थे दोस्तों चार शेड जो मैंने आपको दिखे और चारों ही मेरी नज़र में बहुत ही बेहतरीन शेड हैं। आप ही ट्राई कीजिए इन सब शेड्स को, सिर्फ 110 रुपये में एक आपको मिल जाएगी। कोशिश करूंगी दोस्तों, लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। वैसे मेरी नज़र में एक बेहतरीन लिपस्टिक है और कोई भी इसका माइनस पॉइंट मुझे अब तक नज़र नहीं आया है। एक माइनस पॉइंट मैं कह सकती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा लेयर आप अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा पैची ये हो जाती है, लेकिन जितनी ये पिगमेंटेड है तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतने ज़्यादा लेयर्स को अप्लाई करने के लिए। तो आप नॉर्मल एक दो लेयर्स अप्लाई कर सकते हैं, वो ही बहुत ज़्यादा हैं। तो शेड्स मैंने आपको चारों के चार दिखा दिए। अगर आपको कोई भी शेड पसंद आया है या आपने पहले ये लिपस्टिक ली हुई है तो आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसे रहा है ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ दोस्तों जेन्युइन रिव्यू को ज़रूर से सब्सक्राइब करें इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए जानने के लिए। और जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए।